हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में हम किसी से बातचीत करते हैं या किसी को बताना होता है कि इसको मैस करो या इसको दबाओ या शर्ट फोल्ड करो या जो भी चीज़ फोल्ड करनी है उसको फोल्ड करो या नीचे उतरो फिर दाएँ मुड़ो। अगर किसी को हमें रास्ता बताना है और बोलना है कि दाएँ मुड़ना है नीचे उतरना है, तो इन सबको इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्केचारे ई गाम्बेरी, गाम्बेरी बोलते हैं जो झींगा होता है, सी फूड होते हैं उनको बोल, उनमें गाम्बेरी भी होती है। तो स्केचारे होता है मैस करना, दबाना या कुचलना। तो स्केचारे ई गाम्बेरी मतलब झींगा को मैस करे, झींगा को दबाए कुचले, तो उसके लिए बोला जाता है स्केचारे। दो ये वर्ब है, ये मैस करना, दबाना, कुचलना सभी में काम ली जा सकती है स्केचारे। तो स्केचारे ई गाम्बेरी, वैसे प्रेमेरे भी होती है, प्रेमेरे वर्ब है वो भी दबाने की है, तो दोनों आप यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में मैं कुचल रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ, तो वर्ब अभी प्रेजेंट में, इसको हम बोलेंगे स्तो स्क्याचांदो, स्तो स्क्याचांदो मतलब मैं दबा रहा हूँ, मैं कुचल रहा हूँ, मैं मैस कर रहा हूँ, तो स्तो स्क्याचांदो इस तरीके से हम बोलेंगे प्रेजेंट में है इसलिए। इसके बाद में अगर पास्ट में है वर्ब, तो जैसे कि मैंने गलती से दबा दिया, मैंने गलती से कुचल दिया, मैस कर दिया, तो ओ स्क्याचातो पेरेस बालियो, मैंने गलती से दबा दिया, ओ स्क्याचातो, जो पास्ट में इसलिए स्क्याचातो लगेगा, ओ स्क्याचातो पेरेस बालियो, मैंने गलती से मैस कर दिया, दबा दिया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है प्लग को हिलाए, मूव करे, प्लग हो गया, पिन हो गई, तो उसको मूव करे, उसको हिलाए, तो स्कुओ तेरे ला स्पीना, स्पीना हो गया पिन प्लग, तो स्कुओ तेरे हो गया हिलाना, किसी भी चीज़ को हिलाते हैं शेक करते हैं उसके लिए स्कुओ तेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, स्कुओ तेरे ला स्पीना मतलब प्लग को हिलाए। एक अजितारे वर्ब है वो भी शेक करने की है, अजितारे, स्कुओ तेरे और मुओवेरे, ये हो गई मूव करने की वर्ब, तो मुओवेरे वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि मुओवी ला स्पीना मतलब पिन को मूव करे थोड़ा सा हिलाए, तो मुओवी ला स्पीना, या इल्क मूवी इल कावो ये भी आप बोल सकते हो, कावो हो गया तार, जो वायर होता है केबल होती है उसको बोलते हैं कावो, या मूवी इल फिलो, फिलो भी बोल सकते हो तार को, धागे को भी बोलते हैं, तार को भी बोल देते हैं, मूवी इल फिलो या मूवी इल कावो मतलब तार को हिलाओ, तो ये भी बोल सकते हो आप। स्कुओ तेरे वर्ब वो भी यूज़ ले सकते हो, मूवेरे हो गए ये भी यूज़ ले सकते हो, अजितारे वर्ब है ये भी यूज़ ले सकते हो, तीनों वर्ब हिलाना सेक करना उसी की है। इसके बाद में है अजितारे प्रीमा दे लूजो मतलब उपयोग करने से पहले हिलाए सेक करें, कोई भी मेडिसिन है दवाई है लिक्विड फॉर्म में और उस पर लिखा हुआ भी आता होगा अजितारे प्रीमा दे लूजो मतलब उपयोग करने से पहले हिलाए सेक करें, तो सेक करने को अजितारे वर्ब भी यूज ली जाती है। इसके बाद में है हाथ मत हिलाओ, किसी को बोलना है कि हाथ मत हिलाओ, तो नॉन अजितारे लमानो, नॉन अजितारे लमानो मतलब हाथ मत हिलाओ, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या नॉन मूवी मूवी लमानो मतलब हाथ को मत हिलाओ, हाथ को मूव मत करो, ये भी बोल सकते हो आप। फोल्ड करें, तो जो फोल्ड करने की वर्ब है ये है पिएगारे, और फोल्ड शर्ट को फोल्ड करिए तो पिएगारे ला कमीज मतलब शर्ट को फोल्ड करे, पिएगारे ला कामीचा शर्ट को फोल्ड करे, या इसको फोल्ड करो तो पिएगालो, पिएगालो मतलब इसको फोल्ड करो, फोल्ड इट, इसको फोल्ड करो तो पिएगालो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ, जो कारपेट होता है उसको बोलते हैं तपेतो, इल तपेतो, और प्रेजेंट में है वर्ब मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो स्तो पिएगांदो, स्तो पिएगांदो में फोल्ड कर रहा हूँ, तो जो भी आप चीज़ है जैसे आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो तो स्तो पिएगांदो यू स्थिति, मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ, मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ तो स्तो पिएगांदो इल तपेतो, मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट
प्रेजेंट में है इसलिए हम बोलेंगे पिएगांदो, पिएगांदो में फोल्ड कर रहा हूँ। तो जो भी आप चीज़ है, जैसे आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो तो स्तो पिएगांदो इल वेस्टिटी, मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ। मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ तो स्तो पिएगांदो इल तपेत्तो, मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में है इसलिए हम बोलेंगे पिएगांदो, पिएगारे वर्ब है, और मैं फोल्ड करता हूँ तो इयो पिएगो, इयो पिएगो, मैं फोल्ड करता हूँ। इसके बाद में मैंने सब फोल्ड कर दिया, तो वर्ब अभी गई पास्ट में, इसलिए ओ पिएगा तो तू तो, मैंने सब फोल्ड कर दिया, सब कुछ फोल्ड कर दिया। जैसे कोई हमें पूछे आए पिएगा तो, क्या तुमने फोल्ड कर दिया? सी ओ पिएगा तो तू तो, हाँ मैंने सब कुछ फोल्ड कर दिया। तो किसी को भी बोलना है इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है पर्दों को झाड़े, साफ करे, जो डस्ट लगी होती है उसको हटाना होता है, झाड़ना होता है, तो उसके लिए स्पोलवेरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। स्पोलवेरारे वर्ब होगी झाड़ना, किसी भी चीज़ को डस्ट वगैरह उसको साफ़ करना, झाड़ना, तो उसके लिए स्पोलवेरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि स्पोलवेरारे लेतेंदे, मतलब पर्दों को झाड़े, पर्दों की धूल हटाएं, स्पोलवेरारे लेतेंदे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या अगर किसी को बोलना है कि मैं आपके दस्तावेज़ की धूल झाड़ रहा हूँ, तो वर्ब भी प्रेजेंट में है, तो स्तो स्पोलवेरांदो, स्तो स्पोलवेरांदो में धूल झाड़ रहा हूँ, स्पो स्तो स्पोलवेरांदो इवोस त्री डॉक्यूमेंट, मैं आपके दस्तावेज की धूल झाड़ रहा हूँ, स्तो स्पोलवेरांदो इवोस त्री डॉक्यूमेंट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। वर्ब भी प्रेजेंट में है इसलिए स्पोलवेरांदो, या अगर पास्ट में है तो ओ स्पोलवेरातो, ओ स्पोलवेरातो, मैंने झाड़ दिया, मैंने साफ कर दिया। पुली तो भी वर्ब, पुली रे वर्ब, वो भी आप यूज़ ले सकते हो, जैसे कि ओ पुली तो, मैंने साफ कर दिया, पुली रे वर्ब, वो भी साफ करने की है। स्पोलवेरारे वर्ब है झाड़ना, किसी भी चीज़ की डस्ट झाड़ना वगैरह उसके लिए, और पुली रे वर्ब होगी क्लीन करना, जैसे कि पुली रे ला साला, साला हो गया होल, जो बड़ा होल होता है उसको साला बोलते हैं, पुली रे ला साला, मतलब होल को साफ करे, या मैं साफ कर रहा हूँ, स्तो पुलेंदो, प्रेजेंट में वर्ब तो स्तो पुलेंदो ला साला, मैं होल साफ कर रहा हूँ। प्रेजेंट में तो इस तरीके से बोल सकते हैं, और पास्ट में तो ओ पुली तो मतलब मैंने साफ कर दिया, ओ पुली तो तू तो, मैंने सब कुछ साफ कर दिया, ओ पुली तो बैन है, मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में है बटन दबाओ, किसी भी चीज़ को दबाना है उसके लिए प्रेमेरे वर्ब, भी मैंने वीडियो में बताया था पीछे, प्रेमेरे वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं। प्रेमेरे इल पुलसांते, मतलब बटन दबाओ, जो बटन हो गया उसको बोलते हैं पुलसांते, प्रेमेरे इल पुलसांते, मतलब बटन दबाओ। या प्रेमी भी बोल सकते हो सेकंड पर्सन को, प्रेमी इल पुलसांते, तुम बटन दबाओ, या मैं दबा रहा हूँ तो प्रेजेंट में है वर्ब तो स्तो प्रेमेंदो, स्तो प्रेमेंदो, मैं दबा रहा हूँ, वर्ब है प्रेजेंट में इसलिए प्रेमेंदो, स्तो प्रेमेंदो। इसके बाद में अगर वर्ब पास्ट में है तो ओ प्रेमुतो, मैंने दबा दिया, ओ प्रेमुतो, मैंने दबा दिया, या ओ जा प्रेमुतो, मैंने पहले ही दबा दिया, ओ जा प्रेमुतो, मैंने पहले दबा दिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में घंटी बजाए, जो घंटी होती है बैल उसको बजाएं, तो उसके लिए सोनारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, सोनारे इल कंपनेलो, कंपनेलो हो गया घंटी, और सोनारे वर्ब हो गई बजाना, सोनारे इल कंपनेलो, मतलब कि घंटी बजाए। या किसी सेकंड पर्सन को हमें पूछना है कि क्या तुम गिटार बजाना जानते हो, तो साई सोनारे ला कितारा, कितारा हो गया गिटार, साई हो गया सपेरे वर्ब है, और साई हम सेकंड पर्सन को पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो, तो साई, साई सोनारे ला कितारा, क्या तुम गिटार बजाना जानते हो, तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में है नॉन सुनारे इल क्लासकोन, नॉन सुनारे इल क्लाक्सोन, मतलब हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न को बोलते हैं क्लाक्सोन, क्लाक्सोन, नॉन सुनारे इल क्लाक्सोन, मतलब कि हॉर्न मत बजाओ, इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। या मैंने गलती से बजा दिया तो ओ सोना तो पेरस बाल लियो, ओ सोना तो पैर असबाल्यो, मैंने गलती से बजा दिया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है बस से नीचे उतरो, तो इसके लिए शेंदेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, और सेकंड पर्सन को बोलना है तो शेंदी, शेंदी द लाउटोबुस, बस से नीचे उतरो, कृपया करके बस से नीचे उतरो, तो शेंदी द लाउटोबुस पर फवोरे, कृपया करके बस से नीचे उतरो। ये शेंदेरे वर्ब पूरी भी आप यूज़ ले सकते हो, या शेंदी भी बोल सकते हो,
इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, तो वर्ब अभी प्रेजेंट में, इसलिए स्तो शेंदेंदो, स्तो शेंदेंदो, मैं उतर रहा हूँ, लेस काले, मतलब कि सीढ़ियों से, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, स्तो शेंदेंदो लेस काले, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या शेंदेरे जू, मतलब नीचे उतरो, शेंदेरे जू, नीचे उतरो। जैसे किसी को एड्रेस बताते हैं, कोई हमें पूछ ले कि ये एड्रेस कहाँ पे है, तो मान लो कि रोड है और वो थोड़ी नीचे जा रही है, जैसे पुल वगैरह, उससे नीचे जाना, तो शेंदीजू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, शेंदीजू पोया देस्त्रा, इस तरीके से किसी को भी बताना है, जैसे कि नीचे उतर के दाएं मुड़ जाए, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है शेंदेरे पुजिरारिया देस्त्रा, नीचे उतरो फिर दाएं मुड़ो, शेंदेरे पुजिरारिया देस्त्रा, नीचे उतरो फिर दाएं मुड़ो, ये भी हम बोल सकते हैं। या मैं उतर गया, तो वर्ब अभी पास्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे सोनो शेज्जो, मैं उतर गया, सोनो शेज्जो, मैं उतर गया, पास्ट में है इसलिए शेज्जो लगाएंगे। या तुम यहाँ क्यों उतर गए, किसी को भी पूछना है कि तुम यहाँ क्यों उतर गए, तो पेरके से शेज्जो क्वी, पेरके से शेज्जो क्वी, तुम यहाँ क्यों उतर गए, किसी को भी पूछना है, और अगर हमें कोई पूछे तो हमें जवाब देना है कि यहाँ मेरा घर है, एक्को काजामिया, यहाँ मेरा घर है, या क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है, ये भी बोलना है, तो पेरके लामिया काजा एक्वी, यहाँ पर मेरा घर है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में, कि कैसे किसी से बातचीत करते हैं या किसी को कुछ बताना होता है इटालियन लैंग्वेज में, जो आज हमने वीडियो में सीखा है। जो भी वर्ब, जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आई है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक पर बनाना है उसकी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।